जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया आज सिवान पहुंचे और सिवान पहुंचने के बाद सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में कन्हैया ने एक सभा को संबोधित किया। कन्हैया के राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचते ही पूरा राजेंद्र स्टेडियम शाहीन बाग की तरह तब्दील हो गया और वहां पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या आज देखने को मिली। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं राजेंद्र स्टेडियम में, जहां पर कन्हैया ने आज हुंकार भर दी केंद्र सरकार के खिलाफ। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया के सिवान पहुंचते ही राजेंद्र स्टेडियम पूरे तौर पे शाहीन बाग में तब्दील हो गया और आप यह नज़ारा देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव के माध्यम से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिवान के राजेंद्र स्टेडियम की तस्वीर है और जैसे ही जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पहुंचे तो पूरे राजेंद्र स्टेडियम में आज़ादी आज़ादी के नारे लगने लगे। तो ये हम आपको तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में, जहां पे सिवान में कन्हैया पहुंचे और कन्हैया के कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। और आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पर। सीएए और एनआरसी को लेकर के पूरे देश भर में बवाल सा मचा हुआ है और इसको लेकर कन्हैया संविधान बचाओ यात्रा के तहत पूरे बिहार में निकले हुए हैं और बेतिया मोतिहारी गोपालगंज जिले के बाद से कन्हैया सिवान पहुंचे, जहां पर सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया और सीएए एनआरसी के खिलाफ जमकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और केंद्र सरकार में जो बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं उन पर भी सीधे तौर पर हमला किया। तो आपको फिर से हम एक बार बता दें कि सिवान में आज जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया पहुंचे, जहां पर सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में भारी तादाद में भीड़ हुई थी और यहां पे एक कार्यक्रम को संबोधित किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि आखिरकार सीए एनआरसी जो है इसका क्यों विरोध करना चाहिए और केंद्र सरकार को इस ऐसे जो मुद्दे हैं या फिर ये जो बिल है इस बिल को हम लोग पास नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इसी को लेकर आज कन्हैया ने सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में हुंकार भर दी। तो आइए दिखाते हैं हम आपको सिवान के राजेंद्र स्टेडियम से कन्हैया के पूरे कार्यक्रम को। संक्षेप बोला, अभिमान
हंस रखते पितरी सतकाते वो घर में मांगे वो घर में मांगे खाने पीने की पढ़ने लिखने की कन्ने ओढ़ने की दाढ़ी चुनने की दाढ़ी करने की हर का करने की Thank you.